मूल प्रभा अखिल भारत नेपाली एकता समाज ने आज जिला सोलन में हिमाचल राज्य समिति का तीसरा सम्मेलन का आयोजन किया। भारत के विभिन्न राज्यों में ये सम्मेलन होने के बाद आज इस सम्मेलन का आयोजन जिला सोलन में किया गया, जिसका स्लोगन प्रवासी नेपाली के मताधिकार और समानुपातिक प्रतिनिधित्व का अधिकार नेपाली मूल के नागरिकों को भी दिया जाए। साथ ही अपनी मांगों को लेकर प्रवासी नेपालियों द्वारा आज जिला सोलन में नगर निगम से ओल्ड डीसी ऑफिस तक एक जन आक्रोश रैली भी निकाली गयी। मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज संस्था के अध्यक्ष ठाकुर खनाल का कहना है कि नेपाली मूल के नागरिकों को भारत में समान अधिकार तो मिल रहे हैं, परंतु सम्मान नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते इस सम्मेलन का आयोजन विभिन्न राज्यों के बाद अब जिला सोलन में किया गया था। साथ ही उनका कहना है कि 1950 में भारत और नेपाल की संधि के अनुसार भारतीय नागरिकों की तरह ही अधिकार तो मिल रहे हैं, परंतु अच्छा व्यवहार नहीं मिल पा रहा। उनका कहना है कि हमारी मुख्य मांग नेपाल में हो रहे चुनाव में जहां नेपाल के लोग रह रहे हैं वहीं से उन्हें वोट डालने का अधिकार दिया जाए। हम भारत में रह रहे नेपालियों के हक और सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। भारत में 1950 नेपाल तथा शांति नेपाल और भारत के बीच में 1950 में एक ट्रीटी हुई थी, शांति तथा मैत्री संधि। उस संधि के तहत भारत में नेपालियों के लिए रोजगार के साथ साथ अन्य व्यवसायिक गतिविधि के लिए भी समान अधिकार है, समान व्यवहार की बात कही गई है, लेकिन व्यवहार में वो लागू नहीं है। हम चाहते हैं कि भारत में भी जो 1950 का संधि हमें अधिकार देता है वो अधिकार प्रदान किया जाए, और साथ में हमारा ये मुद्दा भी है कि हम भारत से नेपाल में रोजगार के लिए आए हैं, इसलिए नेपाल के नागरिक हैं। नेपाल में होने वाले जो मुख्य इलेक्शन है उसमें प्रवासी नेपालियों का मताधिकार सुनिश्चित किया जाए, और उसके साथ साथ नेपाल में जो प्रतिनिधि सभा और राज्यसभा है उस पर प्रवास में काम कर रहे नेपालियों का प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया जाए, ताकि हमारी मांगों को हमारी संसद में भी उठाया जा सके। इस तरह का हम लोग का डिमांड है। रोड शो में आप देख ही रहे हैं, सब बहुत सारे लोग हैं, हिमाचल के विभिन्न राज्य से, विभिन्न जिलों से आए हुए हैं, और हमारी उम्मीद तो हजारों में लोग आएंगे। आज कुछ मौसम का भी कुछ सुबह अनुकूल परिस्थिति रहा, और साथ में कुछ एक जगह पे ट्रैफिक का समस्या भी है, इसलिए बहुत से लोग नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हजार 1500-2000 के आसपास लोग अभी जुलूस में है, आप देख ही रहे।